Assalamualaikum guys, welcome to our second blog, the day two today. आज दूसरा दिन है हमारे ब्लॉग का, तो हमारा अभी फिलहाल नाश्ता चल रहा है, बूढ़ा बूढ़ी और बूढ़ी कर रहे हैं। हमारा नाश्ता हो गया है और ये मेरे बच्चे हैं और मैं थोड़ा सा इन दोनों के अंदर को आज कंपटीशन होने जा रहा है मेरे अंदर मेरे से और इन दोनों में क्या बोलते हैं इसे पंजे का कॉम्पिटिशन। तो कौन पंजे में जीतता है और जो हारेगा उसके लिए कोई पनिशमेंट होगा क्या पता है इसके लिए। हेलो वन टू थ्री एक लास्ट चांस अरे वैसा नहीं सीधा रखो। हाँ वो छोटी बच्ची है बेचारी थोड़ा सा मैं दो हाथ छोटी बच्ची दो हाथ हरा दिया दो हाथ बनाया मैं और छोटी बच्ची इसकी ताकत नहीं। चले आ जा स्कूल पनिशमेंट दस पांच इंग्लिश की लाइन सुनो अच्छी अच्छी मतलब क्या सेंटेंस हाँ बटलर इंग्लिश में माय नेम इज अमेरिकन स्टाइल में माय नेम इज सोरेन जो आई एम फ्रॉम बिहार एंड मैं तो यही चाहूंगा कि मेरा बेटा जीत जाए। नहीं चाहेंगे एक बाप के लिए और क्या बड़ी बात है यही हो सकती है उसका बेटा खुश रहे लेकिन देखते हैं बड़ा जानबूझ के ऐसा अरे चलो डोंट लूज नहीं आप उठा दे हाथ से अरे बाप रे बाबू मैं बूढ़ा हो गया हूँ और एक बार ट्राई कर बाबू तुम तुम गिरा सकते हो मुझे लेफ्ट आप जान मुझे नहीं कर सकते नहीं मैं मुझे मैं गिरा नहीं पा रहा हरा दिया लेफ्ट हैंड में ताकत नहीं है मेरे मुझे नहीं है। अच्छा एक सॉन्ग पर गुनाह है गाना गाऊंगा तो वो तो ये है तो कान बंद कर लो भाई सब थ्री टू वन रेडी। ए देश मेरे तेरे शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा अच्छा बहुत अच्छा गाइस अब सारा और अब्बा के बीच में हो रहा है आओ ताकत हड्डी में बहुत जोर लगाए हुए हैं दोनों देखने में बच्ची है भाई ताकत हड्डी में बहुत है माशाल्लाह 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 अरे बाप रे हड्डी में ताकत चलो इस बार भी आप हार गए चलो मुर्गा बन गया मुर्गा बनने को जमाना हो गया मुझे हटो हटो कैसे हो तुम मुर्गा कैसे हां बहुत बचपन में स्कूल में याद नहीं आ रहा कान पकड़ी है कान पकड़ लिया आप कैसे बनते हैं अच्छा अब पांच पुशअप्स कर दीजिए अब पांच पुशअप्स खतरनाक है मुर्गा बनना भी खाना मां आज एक करी बना रही था थोड़ा रिफाइन डाल दो इसमें चलो और दिखाते हैं एक करी कैसे बनता है तो रिफाइन है और ये है प्याज का पेस्ट खाली प्याज यस इसमें हरी मिर्ची भी पड़ता है लेकिन हम नहीं डाले तुम लोगों की वजह से पीछा नहीं पता चलेगा तो ये प्याज का पेस्ट डालेंगे इसको खोलना था भुनने के बाद हो गया भुना गया ये हाँ देखो ये भुना गया ना अब इसमें हम लोग दूध डालेंगे बहुत ही सिंपल और इजी है हरा कैसे वाओ ये हरा धनिया हरी मिर्च अगर डालेंगे तो उससे और अच्छा कलर पेस्ट आएगा कलर आएगा तो ये हम लोग थोड़ा भूनेंगे इसमें हम लोग दूध डाल दिए हाँ ठीक है तो ये भुना जाएगा फिर इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा खाना खा के अपन जाएंगे थोड़ा मॉल तो तुम घर पे रहना ठीक है लॉक करके रहना किसी कोई आएगा तो मत खुला देना बस अंदर से ही पूछना तो पतला हो गया है ये अभी ठीक हो जाएगा इसमें देखो हम लोग डालेंगे जीरा पाउडर काली मिर्च पाउडर सब काली मिर्च चुटकी एक चुटकी
और जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। ये डाल के ये थोड़ा सा तेल ऊर्जा और थोड़ा सा ऑयल बनाएगा। दो मिनट हो गए तो ये देखो ये हमारा बुना के ग्रेवी। इसमें थोड़ा सा 2 टेबलस्पून मलाई डाल दो क्योंकि ये एग मलाई करी है, इसमें थोड़ा सा मलाई डालो, मिक्स करो और इसमें ये एग डालो। अंडा फ्राई नहीं करते इसमें? नहीं, ऐसे ही डालते हैं। मुझसे तुम इस एग्जाम में खाना मत, शेफ बन जाऊंगा। खाना बनाना सीख जाओगे तुम? अच्छा है ना, हम नहीं रहेंगे कभी तो तुम बना सकते हो खाना, है ना? खाना बनाना मैं सीख रहा हूं। और इसको थोड़ा सा दम दो, तो आप उसको एक बार फ्लिप कर दीजिएगा, टर्न कर दीजिएगा, एक तरफ इधर एक तरफ उधर, उससे आपका अंडा अंडा में भी टेस्ट आ जाएगा, ठीक है? और ये लगभग अब बन चुका है, सिर्फ 2 मिनट छोड़ेंगे, धनिया डालेंगे और ये हमारा एग मलाई करी रेडी है। अभी तो भुनाएगा ना? नहीं नहीं भुनाया, हो गया, सिर्फ 2 मिनट दम पे इसको छोड़ दोगे ना तो ये तुम्हारा रेडी हो गया। इसको स्पून के हेल्प से ही निकालना वरना अंडा चूर हो जाएगा बिल्कुल भी। एक हो चुका? नहीं, वो तो बॉइल्ड होने वाला हो गया था। चलो भाई सारा को बुलाओ, चलो अब सब लोग खाना खाएंगे। मजा आया? सारा का मस्त है ना, शॉपिंग भी हो गई, नाश्ता भी हो गया शाम का। हर मॉल में ये फैसिलिटीज़ होना चाहिए, सारा कुछ है, सारा सारा कुछ यहाँ पे बच्चों का है और हमारे घर से ये बहुत ही करीब है मॉल। क्या हुआ सारा, क्या चाहिए? सारा चलो आओ, ऑयलिंग लाडो करना सर में, लेकर आओ ऑयल। इसीलिए तो बाल झड़ना रुक गया है इसका, एक रेसिपी है। ये ऑयल ही बहुत अच्छा है और बहुत फायदा है। ऐसे आप अगर आप लोग को भी अगर ये ऑयल बनाना है घर पे तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्लॉगिंग विद रेदा। अल्लाह हाफिज़।